हरे कृष्ण, मैं हूं लघु गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज हम आपको बताएंगे कि देव गुरु बृहस्पति का क्या महत्व है और कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छे होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और गुरु का जो प्रतिनिधित्व ग्रह है उसका तंत्र मंत्र अध्यात्म शिक्षा विद्या इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बृहस्पतिवार को करें एक काम तो जल्दी मिलेगी आपको सफलता और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि बृहस्पति मानव जीवन में शैक्षणिक योग्यता, धार्मिक चिंतन, आध्यात्मिक ऊर्जा, नेतृत्व शक्ति और संतति, वंश वृद्धि और विरासत परंपरा, आचार व्यवहार, आचरण व्यवहार, राजनैतिक योग्यता, सभ्यता, पद प्रतिष्ठा, पौरोहित्य कर्म, ज्योतिष कर्म, तंत्र मंत्र व अध्यात्म रुचि, तपस्या में सिद्धि पर अपना आधिपत्य रखना, ये सब बृहस्पति के अधीन आता है। संसार के अपने सुखों में बढ़कर इस विद्या से कोई चीज़ नहीं है। दूसरा सुख है संतान सुख, जो बृहस्पति के अनुकूल होने पर ही प्राप्त होता है। जो दंपति इस सुख से वंचित है वह बृहस्पतिवार को क्या करे, ये काम जल्दी उसको सुख मिलेगा, उसको शुभ समाचार मिलेगा। क्या करे, शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर साफ करके उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर फिर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अर्पित कर दें। इससे क्या होगा कि आपको शुभ समाचार मिलेगा। दूसरा, दंपति को गुरुवार का व्रत रखना अवश्य चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्तुओं का दान करें, यथासंभव पीला भोजन ही करें। माता बनने की इच्छुक महिला को चाहिए कि गुरुवार के दिन गेहूं के आटे की दो मोटी लोई बनाकर उसमें भीगी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप क्या करें, नियम पूर्वक गाय को प्रतिदिन खिलाएं और प्रभु से संतान की प्राप्ति का प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपको भगवान की प्रार्थना सुन लेंगे और आपको लाभ मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी। आपको तीसरा उपाय बता रहे हैं कि गुरुवार के दिन पीले धागे में पीली कौड़ी को कमर में बांधने से संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। माता बनने की जो इच्छुक महिला हैं उनको क्या करना चाहिए कि पारद एक शिवलिंग होता है, पारद का शिवलिंग ले लें और प्रतिदिन उसको दूध से अभिषेक करें, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से हर गुरुवार को भिखारियों का गुड़ का दान देने से आपको अच्छे संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आपको अगला उपाय बता रहे हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में क्या करें कि आम की जड़ को ले आवें घर में और उसे दूध में मिलाकर स्त्री को पिलाएं। यह सिद्ध एवं परिचित प्रयोग है, यह ऐसा देखा गया कि परिचित है, यह टेस्टेड मंत्र है। इस टेस्टेड मंत्र को करने से आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय फिर बता रहे हैं आपको, रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन निसंतान स्त्री जब पीपल पर दीपक जलाएं तो और उसकी परिक्रमा करते हुए संतान की प्रार्थना करें तो उसकी इच्छा अतिशीघ्र पूरी होती है। अब फिर मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ, श्वेत लक्ष्मणा एक बूटी होती है, श्वेत लक्ष्मणा के नाम से जाना जाता है, उसकी 21 गोली बनाकर उसे नियम पूर्वक गाय के दूध के साथ लेने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर आपको अगला उपाय बता रहा हूँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ लाकर घर में लावें और सदैव अपने पास उसको रखें, निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होगी। फिर अगला उपाय बता रहे हैं, नेक्स्ट ऐसे छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताते जाऊँ तो फिर एक अगला उपाय बता रहा हूँ कि नींबू की जड़ को दूध में पीसकर उसमें शुद्ध घी, देसी घी मिलाकर सेवन करने से अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। पहली बार जो ब्याही गाय होती हैं, जो बच्चा दी होती है तत्काल गाय और बछड़ा दी होती है, उसके साथ नाग केसर के चूर्ण को अगर लगातार 7 दिन सेवन करते हैं तो आपको उत्तम संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा देखा गया है। फिर मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ कि सावा का भात, सावा देखे होंगे कि गांव में सावा का चावल होता है जो पहले होता था, अभी भी आपको मिल जाएगा, तो सावे का भात और मूंग की दाल खाने से बांझपन दूर होता है और उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगला फिर उपाय बता रहा हूँ कि जब गर्भ का तीसरा महीना चले तो क्या करना चाहिए कि गर्भवती स्त्री को शनिवार को
थोड़ा सा जायफल और गुड़ मिलाकर खिलाने से अवश्य ही उसे अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुराने चावल को धोकर आप क्या करें, भिगो दें। फिर मैं दूसरा उपाय आपको बता रहा हूँ कि पुराने चावल को धोकर भिगो दें और बनाने से पहले उसको क्या करें कि पानी को अलग कर लें, उसमें नींबू की जड़ को महीन महीन पीसकर और उसे पानी को बना लें, पानी की तरह कर लें और उस स्त्री को जिनको बच्चा होने वाला है या जो इच्छुक लोग हैं बच्चा प्राप्त करने के लिए, तो स्त्री पीकर अपने पति से के साथ अगर समागम करती हैं तो उन्हें स्त्री को अच्छा कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। आज मैंने आपको बताया कि बृहस्पतिवार दिन संतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बृहस्पति संतान का कारक होता है। देव गुरु बृहस्पति की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक व्यक्ति को धन नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती। तो ये सब प्राप्त करने के लिए देव गुरु बृहस्पति की कृपा होना बहुत ही जरूरी है। तो जब देव गुरु बृहस्पति की कृपा होगी तो आपको अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आप मंत्री बनेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो परिवार के कुल को अलंकृत करने वाला होगा। तो इस पर मैंने बताया छोटे छोटे उपाय करके अपने संतान सुख, अच्छे संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया।